Narayana, 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 Srimal Narayana, 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 Srimal Narayana, 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 ஆனந்தோவே பூர்ணானந்தோவே ஆனந்தோவே பூர்ணானந்த பாரானந்த சாந்தானந்த கணானந்த அச்சலானந்த துரானந்த நித்யானந்த போஜஸ்ரூபானந்த ஞானஸ்ரூபானந்த ஆனந்தியானந்த 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 சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ऐसे मनुष्य के शरीर को पाकर के जो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता है तो आगे जाकर के बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तेरे भव सागर है न रस माज यस पार, निंदक मंदमती आत्महन गति जाय सियावर। जो मनुष्य इन सब सामग्रियों को पाकर के अपने कर्तव्य के पास नहीं उतरता है तो समझना चाहिए जो मूर्ख है और आत्मा की इच्छा करने वाला है निंदा का पात्र है। सामग्री है कि उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम संघ, उत्तम सामग्री मिलकर के भी आत्मा का उद्धार नहीं होगा तो किसका होगा। आत्मा का कल्याण एक प्रकार से मनुष्य शरीर में होता है और अन्य शरीरों की मां नहीं। बिना ज्ञान के बिना परमात्मा की प्राप्ति को, मुक्ति को, नित्य ज्ञान अनुमुक्ति, बिना ज्ञान के बिना परमपद की प्राप्ति यानी मुक्ति नहीं होती। अब वो ज्ञान जो है तो मनुष्य शरीर में होता है। देवादी के शरीर के नित्य मां जो की बुद्धि के हिसाब से ज्ञान होने की गुंजाइश है किंतु वहाँ भोग सामग्री अधिक होने के कारण से देवता लोग जो है भोगों में फंस जाते हैं, ऐसे आराम में फंस जाते हैं, इस कारण से उनको ज्ञान नहीं होता। ये जो शरीर जो है एक प्रकार से इसमें जो अभिमान है, देह के भीतर में जो ये अभिमान है कि देह मैं हूँ, ये मेरा है, ये जो एक प्रकार का अभिमान है ये एक जन्म का हेतु है। इसी कारण से इस जीव को आपने समझो कि परमात्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं होता तो परमात्मा के बिना ज्ञान के बिना इसकी मुक्ति नहीं होती। ये जो बड़ा भारी एक अज्ञान है कि जो देह के जिसके माँ अभिमान है, देह के जिसके माँ जो अभिमान है कि ये देह मैं हूँ, ये जो स्थूल शरीर है, ये पांच भौतिक शरीर जो आप लोगों को दिखता है, ये आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, पांच भूतों का जो पुतला स्थूल जो शरीर है इसके अंदर एक दूसरा सूक्ष्म शरीर है। ये स्थूल शरीर तो समझो कि एक कमरे में या भूमि पर या खटिया पर शयन कर रहा है और स्वप्न के मां जो एक समझो विचरण करने वाला जो है वो एक शरीर अपने मानसिक शरीर है। और जब मनुष्य मरकर के यहाँ से दूसरे शरीर में जाता है तब भी उस सूक्ष्म शरीर से जाता है,
ये स्थूल शरीर तो यहीं छोड़ देता है, वो एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न एक और कारण शरीर है जो कि सुसुप्ति अवस्था के बीच के माँ जब स्वप्न भी बंद हो जाता है और किसी भी बात का ज्ञान नहीं रहता, तब एक समझो कि महान एक ज्ञान के बीच के माँ ये तन्मय हो जाता है, केवल एक ज्ञान ही रहता है, केवल एक समझो कि माया रहती है, उस माया का अंश स्वरूप जो है वो एक कारण शरीर है। महाप्रलय के बीच के माँ उस कारण शरीर के साथ में संबंध रहता है, तो स्थूल और सूक्ष्म स्थूल शरीर जो है ये तो एक प्रकार से इससे तो समझ विच्छेद हो जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर है वो एक प्रकार से कारण के मां विलीन हो जाता है, केवल कारण शरीर रह जाता है। उस कारण शरीर में ये जीव अपने सारे अपने कर्मों को लेकर के वहाँ स्थित होता है। इस जीव के जितने जो कर्म होते हैं वे सारे के सारे कर्म मन के मां सेंस का रूप से रहते हैं, और वो जो मन जो है वो एक प्रकार से थी अपने अहंकार के जिसके मां विलीन हो जाता है, जो इस जो के भीतर के मां जो अहंकार है उस अहंकार के मां मन विलीन हो जाता है, क्योंकि मन की उत्पत्ति अहंकार से है, इस वास्ते वो अहंकार में विलीन हो जाता है, और अहंकार की उत्पत्ति है बुद्धि से, इस वास्ते वो अहंकार बुद्धि के मां विलीन हो जाता है, और बुद्धि जो है उसकी उत्पत्ति जो है तो अव्याकृत माया से है, इस वास्ते वह बुद्धि उस माया के बीच की मां विलीन हो जाती है, जो ईश्वर की शक्ति है उसका दूसरा नाम प्रकृति है, उस प्रकृति के बीच के माँ वो विलीन हो जाता है, उस प्रकृति जीवों की भिन्न भिन्न होती है, और मूल प्रकृति के साथ के बीच के माँ समझो कि वो प्रकृति उसमें शामिल हो जाती है, तब जीवों की जो प्रकृति है वो एक व्यस्त प्रकृति है, और परमात्मा की जो प्रकृति वो समस्त प्रकृति है, समस्त प्रकृति के अंतर्गत सब दृष्टि प्रकृतियां तो रहती है। फिर जब समझो कि अपने महाशरीर के आरंभ के बीच के वहाँ ब्रह्मा के द्वारा या परमात्मा के द्वारा समझो कि फिर संसार की रचना की जाती है, उस रचना के बीच में वे जितने जो जीव महाप्रलय के अंत के समय में जिस स्थिति में थे उसी स्थिति के बीच के माँ उनको फिर रचा जाता है, जैसे जिस शरीर के माँ वो सहन किया था, इसी प्रकार से वे सारे के सारे जीव पहला तो सूक्ष्म शरीर के साथ में उनका संबंध होता है, इस सूक्ष्म शरीर के साथ में कि पहले समझो कि तल के बीच के माँ जिस शरीर के साथ में संबंध था उसी शरीर के साथ में उसका संबंध हो जाता है, उसके बाद में स्थूल के साथ में संबंध हो जाता है, इस प्रकार से अपने इस जीव का कभी अंत नहीं होता, लाखों ब्रह्मा हो गए और होते रहेंगे, फिर भी एक प्रकार से ये जीव तो संसार में जन्मता मरता ही रहेगा, जब इसको परमात्मा का ज्ञान होगा तभी एक प्रकार से तीनों शरीरों से इसकी मुक्ति हो जाए, तब फिर संसार के में इसका जन्म मरण नहीं होगा, इसलिए हमको एक प्रकार से इस देह से आत्मा अलग है सहित है ये समझना चाहिए, इसकी ये पहचान है, देह जो है वो जड़ है, वो एक प्रकार से उसका लक्ष्य किया जाता है, और परमात्मा है तो चेतन है वो अलक्ष्य है, उसका कोई भी एक प्रकार से लक्ष नहीं कर सकता, उसका नाम जो है तो अलक्ष है, अव्यक्त है और निर्विकार है और निराकार है, जितने आकार वाले पदार्थ हैं वे एक प्रकार से जड़ होते हैं और वो एक प्रकार से निराकार है, निराकार प्रकृति भी है, कारण शरीर भी निराकार है,
सूक्ष्म शरीर भी निराकार है किंतु एक प्रकार से इस अव्यक्त से भी वो एक दूसरा सनातन जो एक अव्यक्त है वो केवल शुद्ध है। प्रकार से परमात्मा का स्वरूप केवल शुद्ध है, इसी प्रकार से आत्मा का स्वरूप भी वैसा ही है। आत्मा जो है वास्तव में तीनों चीजों से रहित है, भक्ति के मार्ग के बीच में भी यही बात है और ज्ञान के मार्ग के माँ भी यही बात है। इस विषय में इतना ही भेद है कि ज्ञान के मार्ग में तो यह बात है कि तीनों शरीरों से रहित होने के बाद आत्मा जो है तो परमात्मा के माँ मिल जाता है। जैसे गढ़े का आकार गढ़े के फूटने से ही महाकाश के माँ मिल जाता है, इसी प्रकार से व्यक्ति जो चेतन है वो समस्ती चेतन के वहाँ मिल जाता है। शरीर के संबंध से भी उसका समझो की अलग पना है, नहीं तो उसकी अलग संज्ञा नहीं रह सकती। जैसे घटाकाश की जो संज्ञा है वो ग्रह के संबंध से ही है और ग्रह के फूटने के बाद उस घटाकाश की अलग संज्ञा नहीं रहती, महाकाश के शामिल हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मा की शरीर के संबंध से ही उस परमात्मा से अलग संज्ञा है। जब तीनों शरीरों का आत्मा भाव हो जाता है फिर आत्मा जो है तो परमात्मा में मिल जाता है, उसकी अलग संज्ञा नहीं रहती। किंतु जो भक्ति मार्ग वाले हैं उनका ये कहना है कि एक प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों की अपने स्वतंत्र संज्ञा सदा से है और सदा रहेगी। मुक्त होने के बाद में जीवात्मा संसार में जन्मता मरता नहीं, वो चाहे तो समझो कि भगवान के नित्य तो पास रहे और चाहे भगवान के माँ ऐसो मिल जावे, दोनों प्रकार की मुक्ति तो मानते हैं। भगवान के लोक में भगवान के नजदीक में भगवान के सादृश होकर के रहना ये उस भगवान से भिन्न होकर के रहना है, जिसको समझो कि सालोक और सामिक और सायुज सालोक सामिक और सारुक मुक्ति कहते हैं। भगवान के जैसा स्वरूप होकर के भगवान के जो धाम में रहना है उसको सारुक मुक्ति कहते हैं और भगवान के एकदम निकट रहना है उसको सामिक मुक्ति कहते हैं। और कहीं रहो भगवान के लोक के माँ भगवान के धाम में रहना है वो सार्वक मुक्ति है। इस वास्ते उसे ये तीन भेद जो है ये एक प्रकार से भगवान से अपने अलग अपने उसकी सत्ता मान करके रहना है। चौथी जो मुक्ति सायुज मुक्ति है वो भगवान के मां विलीन हो जाना है। जैसे ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार सब शरीरों के अभाव होने पर आत्मा का परमात्मा में एक हो जाना है, इसी प्रकार से वो अशु मुक्ति है। तो अब ये ख्याल करना चाहिए कि आपने कितना ही भेद है, तीनों शरीरों के नाश होने के बाद भी आत्मा का अलग स्वरूप रहता है, ये भक्ति मार्ग में माना गया। ज्ञान के सिद्धांत में ये नहीं माना गया। ज्ञान के सिद्धांत में ये कहना है किसी भी शरीर का आश्रय लेकर के ही जीवात्मा परमात्मा से अलग रह सकता है, चाहे वो शरीर समझो की शुद्ध हो कैसा भी क्यों नहीं हो, किंतु एक प्रकार से उसको ऐसा अलग नहीं सकता। ये बात वेदांत सिद्धांत जो अद्वैत वर्ग का ये कथन है। किंतु वास्तु के बाद जो भी कुछ हो जीव का कल्याण तो हो ही जाता है, चाहे वो एक प्रकार से भगवान से भगवान के समीप रहो और चाहे भगवान के वहां प्रवेश करके के एक हो जाओ, किंतु संसार में जन्म तो होता ही नहीं, ये तो सभी शास्त्रकार तो मानते हैं। जैन शास्त्र भी जीव को समझो कि उसकी अलग सत्ता अलग संज्ञा मानते हैं, मुक्त होने के बाद भी वे भी एक प्रकार से थी
जैसे हम लोग परमात्मा का परम धाम मानते हैं, ऐसे वे सूर्य की एक मुख्य शिला मानते हैं। वो मुख्य शिला का नाम है अपने परम धाम समझ। वहाँ वे सब जीव जितने मुक्त हुए हैं वे एक प्रकार के थी, उसे सदा वही बात करते हैं। वे संसार में आते जाते नहीं, वे नित्य आनंद के बीच के वहाँ सुरक्षित रहते हैं, वे वहाँ सर्वज्ञ होकर के रहते हैं। इस प्रकार से जैन शास्त्र में बताया गया है। किंतु जो भी कछु हो इसे आत्मा का कल्याण होना चाहिए, और वो आत्मा का कल्याण इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, और वह मनुष्य का शरीर हम लोगों को इस समय के वहाँ प्राप्त। ऐसे मनुष्य के शरीर को पाकर करके अपनी आत्मा का शीघ्र ही कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आज तो है और कल का कोई भरोसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति के बीच के वहाँ हमको विलम्ब नहीं करना चाहिए। अपने पास में जो भी कुछ है उस सामग्रियों से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हम लोगों के पास में कोई भी ऐसी चीज उसका अभाव नहीं है कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति न हो। मनुष्य मात्र का परमात्मा की प्राप्ति में अधिकार है, चाहे वे समझो की किसी जाति और किसी वर्ण में क्यों नहीं हो। ईश्वर की भक्ति में जैसे सबका अधिकार है, इसी प्रकार से ज्ञान के वहाँ सबका अधिकार है, और वो ज्ञान की प्राप्ति समझो की ईश्वर की कृपा से भी होती है, और वो ज्ञान की प्राप्ति सत्संग से भी होती है, वो ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा से भी होती है, वो ज्ञान की प्राप्ति योग के साधन से भी होती है। इसलिए एक प्रकार से इन साधनों में कोई एक हमको साधन करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। ये जो देह के भीतर के बीच के वहाँ जो ये अभिमान है कि देह यानी शरीर मैं हूँ, चाहे कोई भी शरीर क्यों नहीं हो, सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, किंतु देह के भीतर के वहाँ जब तक अभिमान है तब तक ये प्रकार से इसे ज्ञान नहीं हो सकता और इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। और देह के वहाँ ये अभिमान है कि देह मेरा है तो एक प्रकार से वो भी खतरे की चीज है, किंतु देह मैं हूँ इसकी अपेक्षा वो एक समझो की कम खतरे की चीज है। तो देह मैं हूँ ये तो बहुत ही एक अज्ञान है, क्योंकि आत्मा चेतन है, देह जड़ है, स्वास्थ्य देह कभी आत्मा हो ही नहीं सके। हमारा कोई हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो आत्मा उसके कटने से छोटा नहीं होता। आत्मा जू का पित्र ही है। शरीर आर्म के वहाँ एक बिते का है, फिर बढ़ता बढ़ता मन उसका शरीर समझो की साढ़े तीन हाथ का हो जाता अपने हाथ से, किंतु आत्मा इस प्रकार से घटता बढ़ता नहीं। आत्मा तो आर्म में जो है अंत में है, वो एक ही स्वरूप के नीचे वहाँ रहता है। तो ये समझना चाहिए ये शरीर में मैं हूँ और मैं मेरा है, ये बात समझ में आती है ज्ञान के सिद्धांत से थी और भक्ति के सिद्धांत से थी। तो इसका उपाय दो ही उपाय है खास करके की, एक तो ईश्वर की भक्ति और एक तो ईश्वर की भक्ति और दूसरा उपाय जो है तो परमात्मा के तत्व का ज्ञान। ईश्वर की भक्ति से तो हम ईश्वर जो उसको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान के मार्ग के बीच के वहाँ महात्मा पुरुषों के द्वारा उसको ज्ञान मिलता है। जनता की शुद्धि होने से थी उनके शरीर के बीच में अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। जैसे भगवान ने गीता में बताया है कि नहीं ज्ञाने में सदृश पवित्र में विद्यते तत्व योग संसिद्ध कालिनापन विद्यती। भगवान गीता की चौथी अध्याय के 38 के श्लोक में कहते हैं, संसार के बीच के वहाँ ज्ञान के सदृश और कोई भी चीज उससे बढ़कर के नहीं है। संसार में सबसे बढ़कर जो चीज है तो ज्ञान है,
ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं, उसको पवित्र इसलिए कहा कि पापी से भी यदि पापी हुए तो ज्ञान से उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इसे धर्म के सभी दोगुनी भस्म साथ कुरते सुने ज्ञानादि सब कर्माणि भस्म साथ कुरते तथा अर्जुन जिस प्रकार से थी प्रसिद्ध अग्नि से थी सूर्य की सारा इंद्रों का ढेर एकदम भस्मीभूत हो जाता है, इसी प्रकार से थी ज्ञानादि से थी सारे पापों का सारे कर्मों का एकदम नाश हो जाता है, सब भस्म हो जाते। और ये भी बताया है कि इस प्रकार से थी समझो कि आपने मनुष्य बड़े भारी समुद्र को जहाज के द्वारा पार कर जाता है, इस प्रकार से थी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा मनुष्य को पार कर जाता है। बताया है कि अर्जुन यदि तू कैसा भी पापी क्यों नहीं हो किन्तु ज्ञान रूपी नौका एक ऐसी है, पापी नहीं हुए तो भी ज्ञान रूपी आपने हाथ के द्वारा बड़ी भारी नौका के द्वारा पाप समुद्र को संभाल जाएगा। पाप का जो सागर है बड़ा भारी सागर है, उस सागर को ध्यान लांग जाता है, इस प्रकार से जल के सागर को जैसे भाग लांग जाता है, इसी प्रकार से पाप के सागर को समुद्र की ज्ञान की नौका जैसे पार कर जाती है। इस वास्ते भगवान का कहना यह है कि संसार के जिसके माँ ज्ञान के समान कोई भी वस्तु नहीं है, ज्ञान सभी पवित्र में जिदे सत्म योग समुचित है सारे नाथ में जिंदगी ज्ञान के सभी संसार के माँ कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, ऐसा भी कोई पाप नहीं हो समझो की ज्ञान के द्वारा सर आप इसके अंतकरण के माँ हो जाती है। जब अंतकरण शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान अपने आप ही शुद्ध हो जाता है, उस अंतकरण की शुद्धि समझो की इस प्रकार से होती है कि स्वार्थ का त्याग कर करके और लोगों की सेवा करने से स्वार्थ का त्याग करके और समझो कि अहंकार से रहित होकर के लोगों की जो व्यक्ति है पदार्थ है धर्म है उसके माँ मम भाव है कि ये मेरा घर अपने मेरापन को ही ममता कहती। तो ये दो प्रकार का जो अभिमान है, एक तो अहंकार मैं देखते माँ मैं ये मैं और इस देश के साथ में समुद्र करने वाले पदार्थों के बीच के माँ ये मेरा इसमें ममता उसी को इस प्रकार से समझो की हंता ममता कहते हैं इन दोनों को। तो ये हंता ममता है ये इस प्रकार से समझो की महाअनस के ये दोनों तो महाअनस के मूल है। इन दोनों का जो है तो अभाव अवश्य होना चाहिए, इनसे रहित होना चाहिए और इनके साथ में संबंध होने से ही संसार के विषय भोगों में इनको सुख की प्रतीति होती है और सुख की प्रतीति के बीच में राग जो है आसक्ति होती है और फिर आसक्ति होने से ही कामना होती है। चाहे तो विज्ञान पूछते हैं सुन जाते सन्नासन जाते कामा क्रोधो भी जाते बताया है कि विषयों का चिंतन करने से भी उसके में आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति के पैदा होने से उसमें कामना उत्पन्न होती है और कामना की सिद्धि न होने से क्रोध आदि अनेक विकार पैदा हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार से देहाभिमान का हम लोगों को त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो इसके त्याग का ये आपको उपाय बताया कि निष्काम कर्म से त्याग हो सकता है, इसलिए भगवान ने गीता की दूसरी अध्याय में ये बात बताई कि जो पुरुष समझो की इसे सारी कामनाओं का और समझो की कामनाओं का जो मूल
प्रिया कहते हैं जो कि आसक्ति का एक कार्य है, उस आसक्ति का और हमता और ममता का इनका त्याग करके हित होकर के और संसार के बीच के वहाँ जो बिखरता है, यानी अपने मन से तन से धन से सब प्रकार से जीवों का उपकार करता है, उससे भी वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इससे हमको ये शिक्षा देनी चाहिए कि इसे शरीर से मन से धन से सब प्रकार से भी हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए, मनुष्य मात्र की नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि संसार में जितने प्राणी हैं उनकी सब की सेवा करनी चाहिए। और मनुष्य सब की सेवा कर सकता है, इस बात को ख्याल में रख करके हमारे पूर्व में होने वाले ऋषि और मुनि हमारे प्रत्येक क्रिया के बीच के माँ, प्रत्येक जो शास्त्र क्रिया के बीच के माँ, ये सेवा भाव इतना एक रोम रोम के बीच के माँ, जगह जगह के माँ भर गया है।